सारे सीनियर लोग हैं, आपके आने का स्वागत है। और आज आपको मैंने कष्ट दिया है कि दिल्ली में 4 सितंबर को महंगाई के ऊपर राहुल गांधी जी एक हल्ला बोल रैली कर रहे हैं। उस रैली की बाबत मैं आज पलवल जिले में कई गांवों का दौरा करके आया हूं और लोगों से अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी जी की बात सुने और कांग्रेस के नेताओं की बात सुने। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 8 साल से आम आदमी की महंगाई ने कमर तोड़ दी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे वो सब्जियों के दाम हो, चाहे खाने की चीजें हो, सब पे सरकार ने जीएसटी लगा दी है। नोटबंदी के बाद 2016 के बाद देश में नोटबंदी की मार इस देश ने झेली, उसके बाद आज देश आज महंगाई की मार झेल रहा है। इन कांग्रेस इन सब चीजों को देख करके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देख करके इस देश की आवाज को कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, वो सबको साथ लेके चलती है। आज देश में किस तरीके का माहौल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं आज कि देश में हर पार्टी का दायित्व बनता है कि देश में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, हमारा सबका कर्तव्य। महंगाई किस कदर इस देश में इस कोरोना जो महामारी थी कितनी बड़ी है वो किसी छुपी हुई नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कहते हैं महंगाई तो बढ़ती रहती है, महंगाई बढ़ती रहती है, मगर इतनी महंगाई पिछले 2-3 सालों में जो बढ़ी है, आज तक इतनी महंगाई कभी नहीं देखी गई। छोटी छोटी चीजों पे जीएसटी लगा दिया गया, कभी आपने सुना है कि फूड के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया? तो क्या जीएसटी लगाने से आम आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या, खाने पीने की वस्तुओं से? किसानों की बात, किसानों को गुमराह किया गया, किसानों के बिल आपने जो देखा जो वापस लेना पड़ा, किस तरीके से एमएसपी को लेकर के किसानों को साल भर सड़कों पे बैठा दिया गया और सड़कों पे बैठने के बाद वो बिल मोदी जी की सरकार ने वापस लिया। वो बिल लाए क्यों थे, किसी भी किसान से पूछा क्या कि एमएसपी देनी है नहीं देनी है? और एमएसपी एक देश का सबसे बड़ा घोटाला था एमएसपी, क्योंकि जो देश के हमारे जो उद्योगपति हैं जिनके लिए सरकार काम कर रही है, उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, किसानों को गुलाम बनाने के लिए वो बिल लाया जा रहा था, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति किसानों की जमीन को आज लीज पे लेंगे और लीज पे लेने के बाद कुछ दिन के बाद वो मालिक बन जाएंगे, तो किसान तो बर्बादी की तरफ जाएगा। एमएसपी खास तौर से देश में हर प्रदेश में अलग अलग वो है, मगर हरियाणा पंजाब ऐसे प्रदेश थे जहां पे एमएसपी पे अनाज बेचा जाता है, और बाकी इस देश में दूसरे ऐसे प्रदेश नहीं है, मगर आज किसान को, पूरे देश को एमएसपी चाहिए, देश के हर किसान को एमएसपी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा तो किसान संपन्न होगा। और सबसे बड़ी एक और बताता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती कि फ्री राशन, 80 करोड़ देश के राशन फ्री राशन खिला रही है,
मुझे तो इसमें भी घोटाला लगता है कि 80 करोड़ हमारे देश में आज 65% आबादी किसानों की है और किसान अपना पेट खुद भरता है। हमारे देश की आज 130-135 करोड़ की आबादी है, उसमें से अगर 80 करोड़ को ये राशन खिला रहे हैं और 65% देश के किसान की आबादी किसान की है तो 90 करोड़ तो भाई किसान हो गया ना 65% से भी। तो अगर 80 करोड़ को ये राशन खिला रहे हैं जो अपना पेट किसान खुद भरता है, 90 करोड़ वो हो गया, क्या देश की पॉपुलेशन 170 करोड़ है क्या जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वोटों की राजनीति काम कर रहे हैं। 2024 में कांग्रेस भी चाहती है और पार्टियां भी चाहती हैं कि विपक्ष मिलकर अगर चुनाव लड़ेगा तो इनको 2024 में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और देश को इनकी इस महंगाई से छुटकारा मिलेगा। इसी बातों को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि 4 दिसंबर सॉरी क्या नाम है सितंबर को रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का नाम दिया गया और लाखों आदमी वहां पहुंचे। बीइंग ए कांग्रेसी हमारा कर्तव्य बनता है, हम एक कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाएं और लोगों को उनसे आग्रह करें कि आप आइए, बीजेपी के लोगों की बात सुनिए और कांग्रेस की बात सुनिए और आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से भी आज मुझे कहते हुए परहेज नहीं है, सही मायने में मीडिया भी थोड़ा सा कमजोर है। आज मीडिया को कमजोर इन लोगों ने किया है मगर फिर भी आज भी हमें उम्मीद है कि मीडिया भी अपना काम करेगा समय आने पर। बड़े बड़े उद्योगपति मीडिया पे भी कब्जा कर रहे हैं, आपने देखा होगा। अभी एक चैनल में किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी हाल में 4 दिन पहले ही थोड़ा घना जो कुछ करता था उस मीडिया पे वो भी एक उद्योगपति ने खरीद लिया। अगर ये उद्योगपति मीडिया जो सारे हमारे जो आज हवाई जहाज भी वही उड़ाएंगे, आज एयरपोर्ट भी वही चलाएंगे, माइनिंग भी वही करेंगे, पोर्ट भी वही चलाएंगे, मीडिया भी वो चलाएंगे, तो फिर मुझे आम आदमी का क्या हाल होगा। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ये उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और बीजेपी को तो पुराने जमाने में 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं सरमाएदारों की पार्टी कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी को कहा करते थे ये तो सरमाएदारों की पार्टी है। इन्होंने साबित कर दिया कि सच में ही ये सरमाएदारों की पार्टी है। हम बचपन में सुना करते थे कि सरमाएदारों की पार्टी है, ये सच में सरमाएदारों के लिए काम करती है पार्टी। कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस ये इतिहास को बदलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार इस इतिहास को मिटाना चाहती है, पुराने इतिहास को मिटाना चाहती है। जगह जगह नाम बदले जा रहे हैं, ये देश कभी भी देश का आदमी ये भूलेगा नहीं। अभी इनको ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि शायद हम जो कर रहे हैं हम नया इतिहास लिखना चाहते हैं मगर इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। हमारा जो भारत देश का इतिहास है, हमने गुलामी झेली, ये देश किसने आजाद कराया, वो कौन लोग थे ये उनका नाम मिटाना चाहते हैं। तो मैं आज आपका बहुत आभारी हूं, मैं आपके सामने जो बातें रख रहा हूं आप ठीक तरीके से अगर दिखाएंगे तो मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, लोगों का भी भला होगा। दो सवाल मैं आपसे करता हूं, सबसे पहले कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस में राजनीतिक हमारे जो राजनीतिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आपने सही कहा कि कांग्रेस को सहारे की जरूरत नहीं है,
आज भी आप देश में देखोगे अकेले कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पे 200 से 250 सीटों पे डायरेक्ट बीजेपी और कांग्रेस की फाइट है। हिंदुस्तान में आज भी कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी है और रियल पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, आपने सही कहा। मगर आज देश के सरगम राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि कई बार ऐसा होता है क्या बीजेपी के पास अलायंसेज नहीं है? अगर कांग्रेस किसी अलायंस कर रही है तो क्या क्या दिक्कत क्या है उसमें? क्या बीजेपी कितने अलायंसेज के साथ सरकार नहीं चल? ठीक है, कांग्रेस की मेजोरिटी है, हाउस में मेजोरिटी है, हाउस में नहीं बोलने देते हैं, सड़कों पे बैठे सड़कों पे नहीं बैठने देते हैं, सड़कों पे उन लोगों को हमारे नेताओं को घसीटा जा रहा है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊं क्या? घसीटा जा रहा है क्या? जब कांग्रेस की सरकार रही क्या उस समय बीजेपी के लोगों को घसीटा गया क्या? आपको प्रत्यक्ष के प्रमाण की जरूरत नहीं, दिखाइए बेटा फोटो, आपको दिखाऊं क्या फोटो? प्रियंका जी को, राहुल जी को, आपको दिखाता हूँ प्रत्यक्ष, दिखाइए बेटा फोटो, देखें ये साथ था उनके, प्रियंका जी के साथ था ये। यस, मिलेगा मिलेगा चुनाव में मिलेगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का राज चलेगा पूरे देश में? हमेशा चलेगा क्या भारतीय जनता पार्टी? अभी क्या कांग्रेस ने राज नहीं किया देश में? इस राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं, राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश में है। आज इनकी इनकी सत्ता है और किस तरीके से सत्ता ये चला रहे हैं और क्या परंपरा इस देश में छोड़ रहे हैं, ये भी किसी छुपी हुई नहीं है बात। ये सोच रहे हैं कि हमेशा राज हमारा कहेगा। सर अलायंस की आप लोग बात कर रहे हो 2024 के लिए, अगर अलायंस आप लोग करेंगे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए ये प्रधानमंत्री का चेहरा चुनाव से पहले कभी तय नहीं होता है, चुनाव के बाद तय होता है। जब चुनाव होगा उसके बाद विपक्ष के सारे लोग बैठ करके एक नेता चुन लेंगे। कभी भी आपने देखा होगा जब अलायंस का होगा, बीजेपी के लोगों को ऐसा लगता है कि हम बीजेपी का अलायंस बहुत बड़ा अलायंस है, बहुत उनकी मेजोरिटी उनके पास है, उनका चेहरा हो सकता है। जब बहुत सारी पार्टियां होती तो चेहरा पहले अनाउंस नहीं किया जाता है। वो कल भी थे और काफी चर्चाएं हो रही हैं सियासी तौर से, आप किस तरह से देखते हैं? क्या शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। पहले ममता बनर्जी, भारतीय देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले महाराष्ट्र की, पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, फिर महाराष्ट्र की सरकार गिराई, झारखंड की सरकार गिराने की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की सरकार को गिराने की तैयारी थी। लेकिन नीतीश जी समझ गए थे बात, नीतीश ने वो समझ गए थे कि तुम्हारी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि उन्होंने नीतीश के आदमियों को ही लगा दिया था उस काम पे। आम पार्टी वाले दिल्ली में देख लिए क्या हाल है। तो बीजेपी ये चाहती है कि सरकार गिरा गिरा करके पूरे देश में तुम राज कर लीजिए। क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसे सरकारें नहीं गिराई जाती? इसीलिए विपक्ष आज केसीआर अगर बिहार में है कल से, तो ये उसकी पहल हो चुकी है। केसीआर नीतीश के पास गए तो विपक्ष को समझ में आ रहा है। कई बार ऐसे हालात होते, कभी कांग्रेस इतनी मजबूत थी कि सारी विपक्ष को एक हुआ करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी देश में ऐसा लग रहा है आज विपक्ष को एक होने की जरूरत है। क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं थी क्या? 50 साल विपक्ष में रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, जब से देश आजाद हुआ तभी बीजेपी की सरकार बनी थी क्या 2014 से पहले क्या? तो आज हालात ऐसे हैं, देश की जनता जो चाहती है कि भाई ऐसा लगा कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 2G लगा, क्या उस 2G में क्या निकला? आज राहुल जी को, सोनिया गांधी को ईडी ने बुला रहा है, ये सब राजनीतिक द्वेष की भावना है और कुछ नहीं है देश में। इस देश में आज ईडी और CBI काम कर रही है, ये भी किसी छुपा हुआ नहीं है। सरकारें पहले भी रही हैं लेकिन इस तरीके से नहीं रही, इस तरीके से सरकारें नहीं चली। सर चार आज रैली की सफलता के लिए आप पलवल जिले के गांवों का दौरा करने आए हैं। हाँ जी, पलवल जिले से पूर्व विधायक भी और बड़े दबंग माने जाते हैं, पलवल जिले से ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन वो कहीं गाँव में आज दिखाई नहीं पड़ रहे और आप फरीदाबाद से आपको यहाँ आना पड़ा, ऐसा क्यों? देखिए मगर पार्टी में मैं हमेशा सक्रिय रहा हूँ और बहुत लंबे अरसे से,
मैंने पार्टी छोड़ी दो बार, लेकिन मैं 35 साल से मेरे खून में कांग्रेस हूं। आज आपके जिले से हमारे प्रधान उदय भांजी हैं, रैली के लिए वो क्यों नहीं घूमेंगे? मैं फरीदाबाद से आया हूं तो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, अगर मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? मुझे अगर पार्टी चुनाव लड़ाना पड़े तो मुझे अपने वर्कर के पास तो आना।